डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। तो आपको जैसा कि याद है, हम लोग 12th क्लास में मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.5, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर का बात करें तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 20 तक के तो डिस्कस किया है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं 21 से डिस्कस करते हैं। टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, 21, 22 एंड 23, है ना, 3 क्वेश्चन है, लास्ट 23 है। तो इसको आज हम लोग पूरा तरीके से खत्म ही कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलो, तो एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर 21 देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन करना है भाई 1 बाय ईके पावर एक्स प्लस 1 इंटू डीएक्स। पक्की? देखो, कई बार क्या होता है ना मैथमेटिक्स में कि हमको इंटीग्रेट तो करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है, लेकिन उसके पहले भी कुछ काम करना होता है, अपने से मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, इसलिए किया जाता है ताकि उन चीजें करने में, फार्मूला लगाने में हम लोगों को इजी बने। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप याद रखना कि इस क्वेश्चन में हम लोग अपने तरफ से, सवाल तो ये है ईके पावर एक्स प्लस 1, अपने तरफ से ईके पावर एक्स से गुना और ईके पावर एक्स से भागा करते हैं। ऐसा करने से सवाल पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एक्चुअली कट गया, है ना, लेकिन फिर भी क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने का वजह क्या है? तो वजह यही है कि हम लोगों को ये फार्मूला पे पुट हो जाएगा, हम लोगों को कुछ आइडिया मिलेगा इंटीग्रेशन करने का। क्लियर? चलो देख लो कि आखिर हम लोग इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो अब जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, ईके पावर एक्स को आप मान लो टी, क्या मान लो, ईके पावर एक्स को हम लोग मान लिए टी, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो ईके पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ईके पावर एक्स का ईके पावर एक्स, और जिधर एक्स होता है उधर डी एक्स, और टी का डिफरेंशिएशन डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा इसलिए हुआ, हम लोगों को फायदा हो गया, देख लो कहां फायदा हुआ, ईके पावर एक्स डी एक्स ऊपर है ना भाई, और 1 से मल्टीपल करेंगे तो वही आएगा ईके पावर एक्स डीएक्स, इसके जगह पे रखना क्या है dt, अपने को रखना है dt डिवाइडेड, ईके पावर एक्स को तो हमने 1 मारा t, तो इसको रख सकते हैं t इंटू टी प्लस 1, समझ में आ रहा है, नोट करते चलो आप, है ना, क्योंकि हम मिटाते चलेंगे, बोर्ड काफी छोटा है तो फिर स्पेस नहीं बन पा रहा है, आप नोट करते चलो इन चीजों को। याद रखना यहां पे हम लोग t के जगह पे ईके पावर एक्स को माने हैं, ठीक है। चलो, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, 1 बाय t इंटू टी प्लस 1 इंटू डी टी, इसको dt को यहां लिख सकते हैं, आखिर तो बात तो वही हुआ ना। अब एक चीज पुट करते हैं, हम लोग सीखे हैं भाई पार्शियल फ्रैक्शन में, क्या सीखे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन में उसको a बटा b बटा c बटा तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देख लो, नीचे में भी लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण हिंदी में बोलते हैं, तो जब रैखिक समीकरण अलग अलग रहता है तो उसको a बटा b बटा c बटा तोड़ देते हैं। तो यहां पे भी पुट कर लो, 1 बाय टी इंटू टी प्लस 1 को हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे, क्योंकि दो को अलग अलग रैखिक समीकरण है, ए वो तोड़ देंगे हम लोग ए बटा में टी, है ना, और प्लस ए वो तोड़ देंगे बी बटा टी प्लस में 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दिख पा रहा ना भाई, हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको लगा नहीं दिख रहा होगा। तो अब क्या कर रहे हैं यहां पे, दोनों तरफ को साथ लेकर चलो, 1 बाई टी इंटू टी प्लस 1, और इसको इसको भी आप एलसीएम ले लो, तो कितना होगा t इंटू टी प्लस 1, अब t से तो t कट रहा है, क्या बच रहा है यहां पे t प्लस 1, इसको a से गुना करेंगे तो t प्लस 1 प्लस
टी प्लस वन है ना, तो टी प्लस वन कट होगा और यहाँ पे बी बच रहा है, इसके साथ टी मल्टीपल होगा, नीचे वाला कट हो जाता है, ऊपर बच रहा है वन, इधर बच रहा है एटी, और ए को वन से गुना किया ए प्लस बी टी। यहां से आपको समीकरण बनाना होता है, देख लो इधर कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट माने एक, और इधर कांस्टेंट कौन है तो ओनली ए, तो ए का तो वैल्यू फिक्स हो गया वन। अब इधर टी वाला है एको टर्म्स, एको पद जो है टी वाला नहीं है, जीरो, और इधर टी वाला कौन कौन सा है तो ए भी है और बी भी है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो ए के जगह पे वन रखेंगे तो वन जो है इधर आएगा, तो हम बोलेंगे कि बी का वैल्यू कितना होगा, माइनस वन। अब आपको क्या करना है, अगेन चलना है, अगेन जो इंटीग्रेशन था ये था, इसी को हम लोग दो पार्ट में तोड़ दिए, मतलब कि a बाई टी प्लस बी बाई टी प्लस वन इंटू डी टी, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको अब अलग अलग तोड़ेंगे, तो a के जगह पे कितना आया है वन, तो वन बाई टी डी टी है ना, प्लस b बाई टी प्लस वन है, b बाई टी प्लस वन, तो b के जगह पे कितना है माइनस वन, तो माइनस वन को हम बाहर निकाल लेंगे, तो वन बाई टी प्लस वन इंटू डी टी। अब इसको क्या करना, वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, इसका माइनस में लिख देना लॉग टी प्लस वन, और जो आएगा उस टी के जगह पे रख दियो आप e के पावर एक्स, जैसे वन बाई टी का तुम लिख देगा लॉग टी है ना, और माइनस इसका हो जाएगा लॉग टी प्लस वन, वन बाई टी प्लस वन का लॉग टी प्लस वन, और प्लस में सी लगाना होता है। अब हमें यहां पे आगे कैसे करेंगे, तो आपको पता है ना कि लॉग एम माइनस लॉग एन जो होता है, देखिए लॉग एम में से लॉग एन अगर घटेगा तो क्या होगा, लॉग एम बटा में एन, ये फार्मूला होता है, ठीक है, पहले प्लस बाद में माइनस। तो ये जो पहले कौन सी में है, लॉग बी का वैल्यू कितना माइनस वन ना, हाँ जी, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि लॉग इसको लिख सकते हैं ना एम माइनस एन है, तो एम बटा एन हो जाएगा, यानी कि टी बाई टी प्लस वन प्लस सी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉग और टी के जगह पे हम लोग क्या रखें, तो टी के जगह पे रखें ई के पावर एक्स, और ई के पावर एक्स प्लस वन प्लस में सी, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हम लोगों को आंसर हो गया है। तो इसी तरीके से सेम क्वेश्चन है हम लोगों को 22 नंबर। अब 22 कैसा है वो हम दिखाते हैं, हालांकि वो भी बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे भी। ये जो चैप्टर था ना, ये पार्शियल फ्रैक्शन, इसका नाम ही है पार्शियल फ्रैक्शन पे इंटीग्रेशन, और पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ही होता है उसको दो तीन चार पार्ट्स में तोड़ना, ए बी सी पार्ट्स में तोड़ना और फिर उसका वैल्यू निकालना, ठीक है। चलो तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है कि एक्स डीएक्स है, एक्स डीएक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, तो इस डीएक्स को भाई अच्छा से लिख दो यहां पे, अच्छा लगता है डीएक्स बगल में रहता है तो, है ना। अब क्या करो यहां पे पुट कर लेना, एक्स बाय एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, इसको दो पार्ट में तोड़ लियो क्योंकि दोनों अलग अलग रैखिक समीकरण है, तो जब दोनों अलग अलग रैखिक समीकरण होते हैं तो हम लोग इसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, यानी कि टूटेगा ए बट्टा एक्स माइनस वन और बी बट्टा एक्स माइनस टू। क्या करना आपको, इसको एलसीएम लीजिएगा, नीचे से नीचे कटा देना है और फिर ए एंड बी का वैल्यू यहां से निकाल लेना है, तो ए एंड बी का वैल्यू जो निकलेगा फिर उसको पुट करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग आंसर आ जाएगा। यानी कि जैसे हम 21 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं, या यू बोले तो इसमें हम बताते हैं कौन सा क्वेश्चन जैसा बनेगा,
बिल्कुल जैसा फर्स्ट क्वेश्चन बनाया है ना, देख लो एक्सरसाइज 7.5 का जो पहला क्वेश्चन बनाया है सेम आपको 22 बनेगा, बस अब तक कुछ अंतर नहीं है, वहां पे प्लस प्लस है तो यहां पे माइनस माइनस है, तो यहां माइनस रखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हिंट्स के तौर पे अगर आपको प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन नंबर 1 जरूर देखिएगा इसको कि कैसे हम बनाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये हिंट्स के तौर पे हो गया, यानी कि वहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है, तो यहां पे माइनस रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना पे, 23। इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.5। ये 7.5 का ये लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं क्या बोला जाए। डीएक्स बाई ऐसा करके है, डीएक्स बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी है, सर यहां डीएक्स है ये है, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, ए 1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डीएक्स। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्त। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो इसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं, एक्स रहेगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहता है, तो आप देखो नीचे रैखिक समीकरण एगो हो गया और एगो द्विघात समीकरण, तो जब रैखिक समीकरण होता है तो ये ए बटा में टूटता है एक्स और प्लस, जब द्विघात समीकरण होता है तो ये टूटता है डीएक्स प्लस सी और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि जब द्विघात समीकरण रहेगा तो इसको तोड़ते हैं ऊपर डीएक्स प्लस सी पर। यानी कि ऐसा क्यों करते हैं, तो आपको हम सभी बात को थ्योरी में पहले बता चुके हैं कि अगर लिनियर रहेगा रैखिक रहेगा तो उतना बटा उतना तोड़ देना है, अगर द्विघात समीकरण रहेगा तो इसको एक्स को लेकर तोड़ा जाता है। अब क्या करेंगे उसके बाद, वन बाय इधर क्या है एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और इधर क्या है, तो इधर हम लोग दोनों को क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो एक्स होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो एक्स से तो ये एक्स कट रहा है, एक्स से ये एक्स कट रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच रहा है, तो ए के साथ क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कटेगा, क्या बचेगा यहां पे एक्स, तो ये पूरा के साथ होगा बी एक्स प्लस सी के साथ पूरा के साथ एक्स का गुना होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इधर कितना है, 1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर कितना है तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स से एक्स कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा यहां पे एक्स स्क्वायर, सॉरी वो तो हम ऐसे करते हैं यहां पे कैंसिल आउट ही कर देते हैं, क्योंकि जब एलसीएम ले ही लिए दोनों तरफ तो फिर आगे लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो अब यहां बच क्या रहा है, यहां बच रहा है सिर्फ 1 और यहां बच रहा है ए को एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर, ए को 1 से ए, बी एक्स को एक्स से बी एक्स स्क्वायर, सी को एक्स से सी एक्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हम लोगों को इक्वेशन बन रहा है, इस इक्वेशन को आप जरा अच्छे से देखें तो इधर कांस्टेंट कितना है एक, और इधर कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब बिना एक्स वाला, तो बिना एक्स वाला कौन है यहां पे ए, तो ए बराबर तो 1 हो गया फिक्स। अब बताओ इधर एक्स स्क्वायर वाला है कोई नहीं, तो एक्स स्क्वायर वाला इधर 0 है, इधर एक्स स्क्वायर वाला 2 है, ए है प्लस बी है, तो जब a प्लस बी बराबर 0 है और a का वैल्यू 1 है तो 1 यहां रखेंगे तो इधर आएगा तो माइनस 1, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहां से b का वैल्यू कितना आया माइनस 1। अब बताओ यहां पे x का कोई कॉफिशियंट है, यानी कि इधर x है नहीं 0, इधर x है c, तो c बराबर 0, इस तरीके से a b c का वैल्यू निकल गया। अब करना क्या है आपको कि ए बी सी का वैल्यू अगर निकल गया तो सबका वैल्यू यहां पे पुट कर देना है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे पुट करेंगे। तो सबसे पहले सवाल क्या था हम लोगों को,
ये सवाल था, इसी का इंटीग्रेशन करना था। तो अगेन हम करेंगे अगेन इंटीग्रेशन, ये सवाल था, इसी के जगह पे हम a बाय एक्स रख सकते हैं और बी एक्स प्लस सी रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। अब a की जगह पे कितना रखना है भाई, तो a की जगह पे वन, तो यहां रख दिया वन बाय एक्स प्लस b के जगह पे कितना रखना है माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, नहीं ये हो जाएगा b के जगह पे माइनस वन रखेंगे तो माइनस एक्स, और c के जगह पे रखेंगे जीरो तो माइनस एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन और पूरा का dx। ठीक है, तो अब यहां से आप देख लो कैसे करेंगे। तो ये हम लोगों को ऐसे बन रहा है वन बाय एक्स डीएक्स, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डीएक्स। अब इसका तो भाई क्लियर है, वन बाय एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, तो यहां तो ठीक है लॉग एक्स, और माइनस इसके लिए आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान लो, आप सब्स्टिट्यूशन लगा लो, एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टू एक्स, डिफरेंशिएशन होगा टू एक्स डीएक्स, क्योंकि वन का तो जीरो, हमको ऊपर एक्स डीएक्स है तो एक्स डीएक्स का वैल्यू कितना होगा डी टी बटा में टू होगा ना, यहां से एक्स डीएक्स का वैल्यू, तो ऊपर एक्स डीएक्स है तो इसको रख दो डी टी बटा में टू और नीचे को पूरा को मान लिए हैं टी। तो एक्चुअली हम लोगों को बन क्या रहा है, इधर बन रहा है लॉग एक्स, ठीक है, माइनस, और ये वन बाय टू को बाहर लाएंगे तो वन बाय टू बाहर निकल गया और वन बाय टी डी टी, तो यहां हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है, माइनस वन बाय टू और वन बाय टी है ना, तो वन बाय टी का मतलब क्या लॉग टी प्लस टी, और टी के जगह पे कितना रखना है भाई, टी के जगह पे कितना रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इस तरीके से हम लोगों को आ गया कितना लॉग एक्स माइनस वन बाय टू लॉग, इसे टी के जगह पे रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। तो एक्चुअली हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा ये करेक्ट आंसर है, तो ये करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, यहां मोड लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, उससे कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे होंगे पूरा 7.5 एक्सरसाइज हम लोगों का एंड हो गया, तो मिलते हैं अब अगली क्लास, कल तो संडे है, हालांकि कुछ दिनों में दोस्तों संडे की जो क्लास है वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी कि सप्ताह में कभी भी छुट्टी नहीं रहेगी, ठीक है, अभी कुछ प्रॉब्लम्स थी इसकी वजह से संडे की क्लासेस बंद हो रही थी, ठीक है, अब सभी चीजें ओपन हो जाएंगी, कहीं से भी कोई रिलैक्स नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोगों को सिलेबस टाइम टू टाइम एंड भी करना है, फिर उसको अगर मान लिया जाए कि क्लास सितंबर अक्टूबर में अगर ओपन होता है तो फिर हम लोगों को रिविजन वगैरह भी करना होगा, तो हम लोगों को सफिशियंट टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो लगभग एक दो सप्ताह के बाद यानी कि एक दो संडे के बाद रेगुलर हम लोग करेंगे काम, तो फिर मिलते हैं हम लोग मंडे की क्लास में, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।